देखें भाई इधर भी कुछ बांट रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अब्दुल भाई आपको नहीं देंगे, वो कहते हैं आप ज्यादा खाएंगे। आ जाए भाई, यहाँ पर रोड साइड इफ्तार हो रही हैं, यहाँ पर ये भाई खजूर बांट रहे हैं। आई थिंक भाई ने यू टर्न कर लिया, देखते ही कुछ बांट रहे हैं। मैंने कहा था ना खत्म हो जाएगा इफ्तार विद जीरो रियाल सक्सेसफुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं हूं मालिक फरीद और आज हमारा चैलेंज है कि हमने इफ्तार करनी है विद जीरो रियाल और उसके अलावा मक्का आपको घुमाएंगे बाइक पे, तो आप मक्का भी घूमेंगे इंशाल्लाह और आज का चैलेंज भी हम लोग इंशाल्लाह पूरा करेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और शुरू करते हैं आज का खूबसूरत व्लॉग। चले भाई चले 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 बिस्मिल्लाह। अल्लाह खैर करे अब्दुलरहीम भाई, मैं आपकी मोटरसाइकिल का ख्याल रखता हूँ। ठीक है सर। हाँ ये गिर ना जाए। नहीं गिरेगा कुछ भी ना, मैं ना मोटरसाइकिल आप देखा। चले देखे क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा जो है ना लाइन के बगैर गए हैं, देखे क्या होता है। वालेकुम सलाम भाई, ये क्या ठीक है? अल्लाह का करे। निकाले आपके साथ? निकालो निकालो। चले भाई आपकी मेहरबानी। अभी अब्दुलरहीम भाई दूसरी साइड से गए हैं भाई के पास इफ्तार लेने के लिए, देखें क्या बनता है, क्या लेके आते हैं। और हम लोग इस टाइम पे हैं मस्जिद जिन के पीछे, ये बिल्कुल मस्जिद जिन की बैक साइड है। क्या बात है, क्या बात है, हैं शो लूट लिया। इस ईद पे अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फौरी मनी ट्रांसफर सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी आउटलेट भी है, ऐप भी है, आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप फौरी को इस्तेमाल करते हुए बेस्ट एक्सचेंज रेट पे पाकिस्तान अपने पैसे भेज सकते हैं और खास तौर पे पाकिस्तान में MCB बैंक में अगर भेजेंगे तो 1000 रुपए का उस पे इनाम भी मिलेगा आपको। पहली वसूली हो गई, वाह। माशाल्लाह। ये दिखाएंगे सुपरे पे, मतलब दस्तरखान पे दिखाएंगे क्या है इसके अंदर। ठीक है ठीक है भाई, उठाएंगे कैसे? उठा लेंगे, छापर लेते हैं ना वो, देखो दुकानों वाले अपने। अच्छा वो भी मैं यार मांगो नहीं, मांगो नहीं, देखो अहले मक्का अहले करम होते हैं। हाँ हाँ खींचो नहीं, उसको रिक्वेस्ट करो। वही बात हो गई, वही बात हो गई कि हम मांगने वाले नहीं है। वालेकुम सलाम, आइए, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? माशाल्लाह तमाम से। अच्छा अच्छा हाँ भाई हो गई, आ गया, हो गया काम, देख लें फिर। ओ गरम है? गरम नहीं है, वो रश दिखाने इस तरफ खवातीन है। देखें भाई दूर से आपको रश नजर आ रहा होगा। भाई हम खवातीन का एहतराम करते हैं और सबसे पहले खवातीन को हुकूक देने वाला भी हमारा दीन है इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस चीज़ पे। मस्जिद जिन के पास से निकले हैं, आगे जा रहे हैं गजा की तरफ, मतलब जहाँ पर सफा मरवा है, और देखते हैं आगे क्या माहौल है। सफा की बाड़ी जो है वो जबल अबी कुबैस के सामने है और वहाँ से जब आप सही करते हैं उमरा करके आते हैं तो आखिर में मरवा पे आपका उमरा खत्म होता है। मरवा भी एक पहाड़ी है। यार हमारे दोस्तों ने कहा था वीडियो देखने वाले के बाइक पे आप मक्का का टूर करवाएं, आज मक्का का टूर भी हो रहा है साथ साथ और इंशाल्लाह ये चैलेंज भी ले रहे हो फरीद भाई, मजे चैलेंज भी हो रहा है। देखना भाई के मजे ना खराब कर देना। यार इस तरफ तो सन्नाटा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, क्या हो गया लग रहा है आपको? ये भाई बांट रहे, कुछ खत्म हो जाएगा हमारे जाते जाते, मत जाओ खत्म हो जाएगा यार, खत्म हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। ये देख भाई ने यू टर्न कर लिया, देखते ही कुछ बांट रहे हैं। मैंने कहा था ना खत्म हो जाएगा, ये शापर बांट रहा है। शापर बांट रहे हैं भाई, दम दम वाले। और वो भी खत्म हो गए जाते जाते। यार बड़ों का कुछ मान लिया करो क्या, वैसे थोड़ी देर पहले आपने मुखालफत की है तो मिल गया है कुछ। ये मक्का बस आ गई जनाब। यार अरबी भी फॉलो करने लग गए माशाल्लाह, समझ आती होगी वो सब टाइटल आता है ना, हमें आपकी नहीं आती, इनको कहाँ से आती हो, इसीलिए तो सब टाइटल डाला है। यार पानी वाले भी नहीं है आज से, वो उस तरफ खड़े हैं पानी वाले। ये मगरिब के टाइम अभी नहीं, हाँ अभी मगरिब में कितना, एक घंटे से ज्यादा रहता है ना। शबे आमिर वाला ये है भाई बस स्टॉप। देखें भाई इधर भी कुछ बांट रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ये लाइनें जा ही रही है माशाल्लाह, इतनी लंबी लाइन है। हाँ कैसा, अच्छा है? यहाँ पर जनाबे आला होते हैं चावल मुर्गी वगैरह और वो पूरे बॉक्स होते हैं, मगर उनके बॉक्स रास्ते में थे, हम लोगों ने इंतजार नहीं किया, हमें कहा कि आपको क्योंकि मस्जिद उल हराम दूसरी अतराफ से भी दिखानी है तो हम आगे जाते हैं और मौका मिला तो आ जाएंगे।
ये अभी महबस जीन में आ गए हैं हम लोग, महबस जीन जहाँ पर जीन को पकड़ा गया था। मतलब इसके जगह का नाम ऐसे है, मुझे स्टोरी का नहीं पता, मगर इस इलाके का नाम है महबस जीन। मक्कतुल मुकर्रमा क्योंकि एक पहाड़ी शहर है तो हर जगह पर आपको पहाड़ भी नजर आएंगे, और रास्तों का सलूशन इस तरीके से निकाला हुआ है मक्कतुल मुकर्रमा में के पहाड़ों के अंदर ही उन्होंने टनल्स बनाई हुई है बहुत बड़ी बड़ी, और एक जाल बिछा हुआ है मक्कतुल मुकर्रमा के शहर में टनल्स का। इस टाइम पे हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा के अजियार वाली साइड पे हैं, और जहाँ पे अभी जा रहे हैं ये एग्जैक्टली जमजम टावर के नीचे से जा रहे हैं, उसके ये हरम मस्जिदुल हराम के अंदर जो बांटते हैं वो खजूरें जा रही थी, ये सब हरम में बांटने वाले जा रहे हैं मुझे लगता है। ले सर ये बांटे ले लें अब्दुल भाई अब अली वाहिद वाहिद हक दबाब लेके العام ले चले हो गया शुक्रन। देखे भाई वो नहीं हो गई अचानक से है अल्हम्दुलिल्लाह अचानक से यार कर पड़ा है ये तो। ये लेना भाई से ये सामने खड़े हैं माशाल्लाह खूबसूरत अमामा पहना हुआ है मैं को गिनाते सलाम अलैकुम अब्बा खबर खबर भाई माशाल्लाह इंडोनेशी बालीजी माशाल्लाह नासी गोरिंग ओनली वन माशाल्लाह ओनली वन ओके थैंक यू जजाकल्लाहु खैर सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। ये जनाब इंडोनेशियन खाना भी आ गया है किसी को बताना नहीं किसी को नहीं बताना भाई इंडोनेशियन नहीं है मलेशियन खाना हाँ। ये देखे माशाल्लाह ये सब लोग बांट रहे हैं मलेशियन खाना। इस टाइम पे हम लोग जमजम टावर से बाहर निकल आए हैं जनाब आपको ऊपर नजर आ रहा होगा क्या बात है। ये देखे ये हरम के अंदर बांटने जा रहे हैं भाई ये पानी बांट रहे हैं पानी ले लें दो हैं चुकना पानी ये बाद में आखिर में जगह ही खत्म हो गई है यार शापर अपना फुल हो गया बाइक में फंसा दो भाई शुक्रन ये देखें भाई पूरा कंटेनर पानी बांटने वाले ये एक और गाड़ी भी खड़ी है पानी बांटने वाली। ले जनाब टनल से निकले हैं और सामने है हमारे कुदई। ये खैर कुदई एक ऐसी जगह है जहां पर आके आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और इन बसेस के थ्रू मस्जिदुल हराम की तरफ जा सकते हैं। ये देखें जनाब ये पूरे इस तरह के पैक्स उतार रहे हैं इसके अंदर होते हैं डब्बे लेके जा रहे हैं भाई यला माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये जो मुसाफिर इस टाइम पे मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं ना तो उन मुसाफिरों को ये दे रहे हैं इस टाइम पे माशाल्लाह। अब्दुल भाई अपना दब्बा मोटरसाइकिल उधर खड़ा करें बाइक दब्बा हम कहते हैं भाई अरबी में मोटरसाइकिल को माशाल्लाह देख लाफे हबीबी यल्ला दे देंगे किसी को भाई। वो जो डब्बे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे रश लगा हुआ है हबीबी ये अब्दुल भाई आपको नहीं देंगे वो कहते हैं आप ज्यादा खाएंगे आ जाए आपको दो चाहिए होंगे आज अच्छा बात सुने ना आए तो सही बात सुने आए ना इधर तो आए बात तो सुने ना बकाया माल भी है एक ही काफी किधर लटकाना है भाई इनसे शापर लेते हैं यार ले सर शापर भी यहाँ पे फ्री में मिल जाता है भाई आपको हर चीज फ्री में चाहिए मुझे आप लोगों से दुआएं बहुत सारी फ्री में चाहिए। अच्छा शापर माशाल्लाह शापर को शापर में रख दिया भाई कुछ माल आएगा तो डालेंगे ना अच्छा और माल लाना है पूछ रहे आपने अच्छा क्या किया आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ इससे बड़ी अच्छा ही क्या हो सकती है। सुभान अल्लाह महान नेकी कर रहा है हमारा भाई। तो देखें भैया यहाँ पर लोग ना बसों पे बैठ के मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। ये जो मेरे सर के उस तरफ पहाड़ नजर आ रहा है ये गारे सौर यार अभी हमें आधा घंटा हुआ होगा मैक्सिमम निकले हुए ठीक ठाक वसूली हो गई है ना भाई यहाँ पर रोड साइड इफ्ताज हो रही हैं यहाँ पर ये भाई खजूर बांट रहे हैं आई थिंक हाँ खजूर बांट रहे हैं और अच्छी बात आज ये हो गई है कि यार एक ही व्लॉग में आप पूरा एक तो मक्का घूम लेंगे रमजान की रौनकें देख लेंगे मक्का की और थोड़ा बहुत मक्का के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बड़ी खुशी होती है जब अक्सर लोग आते हैं आप में से भाई आते हैं और उनको मक्का की काफ़ी चीज़ों का पता होता है और वो अपने ग्रुप को साथ में गाइड कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये भैया आपका फेवरेट इलाका आप मिस वाला कबूतर चौक आगे है और हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे इब्राहिम खलील रोड की तरफ बाहर निकल रहे हैं। खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी इंडियंस जो भी यहाँ पर आए होंगे काफी हद तक उनमें से 90% लोग इस इलाके को जानते होंगे। ये है जनाब इब्राहिम खलील रोड देखें इस जगह की एक अपनी वाइब है भाई यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये देखें रोड साइड पे लोग बैठ के इफ्तार करने लगे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखें यहाँ पर भाई दस्तरखान लगा रहे हैं अंदर देखें
ये रोड पे ही दस्तरखान लगा रहे हैं। देखें यहाँ पर रश होता है ना इब्राहिम खलील रोड की, ये रौनके हैं जनाब कबूतर चौक। देखें ये दस्तरखान यहाँ पर आगे लगा हुआ है। क्या हाल है? ठीक है, मजे में अल्हम्दुलिल्लाह। आपने लोग अपने घरों से भी इफ्तार लेके आए हुए हैं, अपने अपनी जायनमाजें अपने अपने दस्तरखान बिछा कर बैठे हैं यहाँ पर इफ्तार करने लगे हैं। माशाल्लाह मस्जिद हराम के पास ये बांट रहे हैं भाई, खजूर बांट रहे हैं माशाल्लाह तबारक। बिगेस्ट रोड साइड इफ्तार यहाँ पर चल रही है भैया। यहाँ पे रोड साइड पे इफ्तार हो रही है और साथ साथ बांट भी रहे हैं, लेकिन वही वाइट वाले पार्सल हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खुदाई से लिए हैं। जज़ाकअल्लाह खैर यार, जैसे इंडोनेशियन खाना हमने इसी भाई से लिया था थोड़ी देर पहले। मलेशियन खाना यार ये जो इंडोनेशिया मलेशिया है सारे एक जैसे ही लगते हैं, सारे भाई एक जैसे लगते हैं। Ramadan, 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 Ramadan। अरे भाई कहाँ बांट रहे हो कुछ तो? ठीक है फोटो लेना था। माशाल्लाह तबारकअल्लाह क्या बात है, ले लो एक भाई से। राइस है कंपनी का है। अच्छा कंपनी का है, राइस ले सकते हैं आप? नहीं नहीं आपका, फिर आप क्या खाएंगे? देखें माशाल्लाह मस्जिदुल हराम के पास सब इफ्तारियां हो रही हैं, लोग इफ्तारियां कर रहे हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर पे ये वो जगह है मस्जिदुल हराम के पास जहाँ पर जनाजे लेके आते हैं। देखें ये यहाँ पे ना पूरे जनाजों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो मुतवफ़ीन हैं अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इनकी नमाज जनाजा होगी यहाँ पर मस्जिदुल हराम में। और हम लोग जो है यहाँ पर ये हमारा दस्तरखान लगा रहे हैं हमारे अब्दुलरहीम भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह ये लें सर, आज की सारी इफ्तारें इकट्ठी की हुई जो है ना ये यहाँ पर अब्दुलरहीम भाई खोल के रख रहे हैं। और इस खूबसूरत मंजर के साथ इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर इफ्तार करेंगे मस्जिदुल हराम के पास। और देखें भाई ये हमारे पास चावल हैं पहला पार्सल जो हमने लिया, ये दूसरा पार्सल, ये चावल हैं लेकिन इनके साथ थोड़ा सा मसालेदार लग रहा है काम, ये सादा लग रहा है थोड़ा हल्का मसाला लग रहा है। और ये जो हमारा मलेशियन भाई ने दिया था इसमें ये चावल हैं टूटे हुए और ये साथ में अंडा डाला हुआ है इसके साथ। और ये ब्रेड इस पार्सल के साथ जो सबसे पहले बुनी की थी भाई ने, ये वो दाल है, क्या है ये? दाल है कमाल है। और ये हमारे पास वो लुजीन क्या कहते हैं चॉकलेट वाले करासोन है, पानी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, खजूर है और ये एक जूस है, ये वो सफ़ेद, हाँ ये सादा, ये उस सफ़ेद पार्सल में से निकले। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार। दाल कैसे थी भाई? ज़बरदस्त, भूख लगी थी ना बहुत अच्छी लग रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह समोसा खाए, मेरे ख्याल में चीज़ वाला लेना की होया चीज़ वाला। ये इंडोनेशियन खाना खाएं यार, मैं मलेशियन को बार बार शुरू से इंडोनेशियन ही कह रहा हूँ, असल में इंडोनेशियन खाना मेरा फेवरेट है ना, समझ आया कर। काफ़ी सादा है, कुछ समझ नहीं। हाँ सादा है क्योंकि ये खाते ना सादा खाना फिर ठंडे रहते हैं, हम मसाले सारे वाला खा के फिर झगड़े। चलें जी अभी मगरिब की नमाज यहीं पर पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गई हमारी और फिर मगरिब के बाद आपसे मिलते हैं। जीरो रियाल इफ्तार विद जीरो रियाल सक्सेसफुल, लेकिन नमाज के बाद आपको मिलते हैं फिर। हम लोगों ने चैलेंज किया था लाहौर में वेस्पा साइड कार पे, बहुत मज़ा आया था। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लें। और ख़ास तौर पे मक्का की रोड साइड इफ्तार अगर आपने नहीं देखी, रोड पे बैठ के बहुत सारे दस्तरखान लगाते हैं, तो वो व्लॉग यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।